ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के चलते कांग्रेस और उनके नेताओं को बेहद उम्मीदें हैं कि अच्छा प्रदर्शन होगा। मेरे साथ स्वास्थ्य एवं सूचना प्रसारण मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे जानते हैं राजस्थान में क्या उम्मीदें मानते हैं, क्योंकि सरकार रघु जी आपकी है। राजस्थान में शानदार तरीके से कांग्रेस परफॉर्म करेगी, अधिकांश सीटें हम जीत रहे हैं और अंडर करंट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, सब जगह गए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक सियासी माहौल बदला नज़र नहीं आया आपको? भारतीय जनता पार्टी कितने भी हसीन सपने देख ले, उनको राजस्थान से निराशा ही हाथ लगेगी। सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कभी उन्होंने अपनी जबान से सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र ही नहीं किया। ये सेना का काम है, सेना करती रहती है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? प्रधानमंत्री महंगाई पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, देश के ज्वलंत मुद्दों पे बात करे, जो उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया था, वायदे किए थे 2014 के चुनाव में, उन वादों पे अपनी अकाउंटेबिलिटी, क्या आपने क्या काम किया उन पे वो जवाब दे। सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जगह है, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेना करती है, सेना पे हम सबको नाज है, सेना सबकी है, सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। ये सेना को भी बीजेपी और कांग्रेस में डिवाइड करने का जो अपराध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये इस देश की लोकतंत्र की जड़ें खोखली करने का एक षड्यंत्र है। 1.5 साल पहले माहौल ऐसा था कि आप लोकसभा का उपचुनाव जीत कर आए थे, लेकिन स्थितियाँ उसी अजमेर में बदली नजर आई है। ऐसा कुछ नहीं है, आम पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, उनका चरित्र बेनकाब हो गया है। एक फेंकू प्रधानमंत्री के रूप में उनको याद किया जाएगा। इतना झूठ कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तक ख्याल नहीं करते हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि भारत रत्न है, जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, उनके मरने के उपरांत उन पर आरोप लगा रहे हैं, इससे घटिया टिप्पणी या इससे घटिया आरोप देश के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किसी पर नहीं लगाया होगा। तो वो अपने पद की मर्यादा भूल गए, गरिमा भूल गए। कितना पद की गरिमा को गिराएंगे नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे ना, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इतिहास इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह के कृत्य इन्होंने किए हैं, कि संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई, अघोषित आपातकाल लगा दिया, मीडिया की स्वतंत्रता पर इन्होंने अंकुश लगा दिया और आम आदमी के जीने के अधिकार को छीनने की कोशिश की इन्होंने, तो इन्होंने तो अपना पूरा कंसंट्रेशन लोकतंत्र को ख़त्म करने में किया है, लोगों की बहबूदी में नहीं किया है। इससे अगर हल्का सा भी समय वो अगर किसानों पे फोकस करते, नौजवानों पे फोकस करते, देश की महंगाई की समस्या पे फोकस करते, तो मैं समझता हूँ देश का भला होता, लेकिन वो समय खो दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो ये थे रघु शर्मा जी। इनका कहना है कि देश में कोई मोदी लहर नहीं है और जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है, उसका उन्हें खमियाजा भुगतना होगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डावी के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज़ जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।